भाई साहब वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन पहले तो बेटा सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना भाई आप लोग को मेरी आवाज वगैरह प्रॉपरली आ रही है द वॉइस इज क्लियर टू एवरी वन भाई जल्दी से भाई पहले सारे बच्चे एक बार देख लेना भाई द वॉइस इज क्लियर वेरी गुड इवनिंग बेटा वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए बच्चों की डिमांड थी सर वन शॉट रिविजन फॉर एनपीओ फटाफट से देखें बच्चों का फेवरेट टॉपिक है भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो उसी की डिमांड पे भाई एक वन शॉट रिविजन एनपीओ का सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना भाई सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोस्त होता क्या है चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बेसिकली नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं इनका जो बेसिक फंक्शन होता है बेटा वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पर होता है मतलब ये सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए बनाई जाती हैं याद रखिएगा है दोस्तों दीज ऑर्गेनाइजेशन आर एक्चुअली डन ओनली टू प्रोवाइड सर्विसज ठीक है बेसिकली चैरिटेबल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए चैरिटेबल स्कूल्स ऑर्फनेज हॉस्पिटल्स ये सारी की सारी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट याद रखना ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं कमाते ये प्रॉफिट्स बेसिकली कमाते हैं अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाती बच्चा फिर तो अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी तो सारे बच्चे प्लीज याद रखिएगा जो नोट करना होगा दोस्त इसको आप साथ नोट -साथ करते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट आप बनाते हो तीन फॉर्म में इसके अकाउंट में बनते हैं पहला बनता है बच्चा रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट सारे बच्चे इसको मार्क कर लेना सेकेंड बनता है बच्चा आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर थर्ड होता है बैलेंस शीट और बैलेंस शीट आपकी दो बनती है एक होती है ओपनिंग जो कि आपकी पिछले साल की होती है और एक होती है क्लोजिंग जो कि आपकी वहां पर इस साल के एंड की होती है तो याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों ने तीन अकाउंट्स पे फोकस करना है नंबर वन रिसीव पेमेंट नंबर टू इनकम एक्सपेंडिचर नंबर थ्री बैलेंस शीट बैलेंस शीट हमेशा हमारे पास दो बनेगी वन इज ओपनिंग एंड द अदर इज क्लोजिंग ये बातें सबने याद रखनी है ओके okay, नेक्स्ट दोस्त रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है ठीक अ वेरी सिंपल फंडा मैं आपको बता देता हूं रिसीव्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग इट इज जस्ट लाइक कैश बुक जस्ट एक कैश बुक होता है तो सबसे पहले बच्चा मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है रिसीव्स एंड पेमेंट कुछ नहीं बच्चा सिर्फ एक कैश बुक होती है इसका फंडा क्या है डेबिट ऑल रिसीव्स क्रेडिट ऑल पेमेंट्स अ वेरी सिंपल फंडा बच्चा रिसिप्सन पेमेंट का डेबिट में सारी रिसीप्स क्रेडिट में सारी पेमेंट्स ठीक है जो पैसा आ रहा है डेबिट पे जो पैसा जा रहा है उसको आप क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते जाओ तो सिंपल सा फंडा बच्चा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज एक्चुअली शोन द डेबिट साइड याद रखिएगा दोस्तों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को डेबिट साइड पे दिखाते हैं इसके बाद जितनी भी रिसिप्स होती हैं जितनी भी रिसिप्स होती हैं उसको हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, उनको हम क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं और बाद में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अब एक बात बच्चों को बता देता हूं ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है ये आपके पास हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसिड साइड पे चला जाता है याद रखना ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड राइट ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा सारे बच्चे याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश क्लोजिंग साइड राइट ओके नेक्स्ट रिसीव पेमेंट का बच्चा आपको सेकेंड फीचर जो अपने दिमाग में डाल लेना है कि रिसीव एंड पेमेंट जो होते हैं वो आपके हमेशा, हमेशा याद के पैसे को रिकॉर्ड करता है करंट ईयर मतलब सिंपल सा आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ये पॉइंट बच्चा मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा सपोज कर लो अभी आप 2022 का रिसीप्शन पेमेंट बना रहे सपोज कर लो बच्चा आप 2022 का रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे ठीक है अब अगर सपोज कर लीजिए आपने 2022 में कोई सैलरी पे करी राइट right? आपने 2022 में आपने कोई सैलरी पे करी सपोज कर लो 10,000 की दोस्त अब अगर मान लो ये सैलरी एक्चुअली में ड्यू थी 2021 में मतलब 2021 में कोई सैलरी ड्यू थी और वो आपने पेकअप करी 2022 में दोस्तों आपको याद रखना है बेशक सैलरी आपकी ड्यू थी 2021 में आपने पे करी 2022 में तो आप इसको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ 2022 में रिकॉर्ड करेंगे राइट

आप कोई रेंट रिसीव करते हो दोस्तों आप कोई रेंट रिसीव करते हो 2021 में राइट right? सपोज कर लीजिए 15,000 का वो रेंट एक्चुअली में ड्यू था वो मिलना कब था आपको वो 2022 में मिलना था ठीक है अब आप मुझे बताइए क्या हम लोग इसको रिसिपन पेमेंट ऑफ 2022 में रिकॉर्ड करेंगे वी विल रिकॉर्ड नो आंसर

कैपिटल और रेवेन्यू अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं वट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू बच्चा सेल करी तुमने बिल्डिंग देखो रिसीव पेमेंट को सिर्फ मतलब होता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है ये कैपिटल नेचर की आइटम है इसको रिसीव पेमेंट रिकॉर्ड करेगा ठीक है अगर सपोज कर लो तुमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी तुमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी अब ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है इसको भी रिसीव पेमेंट रिकॉर्ड करेगा तो दोस्तों एक बात याद रखना तुमने बिल्डिंग सेल करी कैपिटल नेचर की आइटम है तुमने इन्वेस्टमेंट परचेस करी कैपिटल नेचर की आइटम है इसको रिसीव पेमेंट डेफिनेटली रिकॉर्ड करेगा ने बात याद रखना अच्छा अब मैं आपसे बात करता हूं रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू नेचर की बात सिंपल से समझिएगा बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने कोई सैलरी पे करी आपने सैलरी पे करी यह रेवेन्यू नेचर की आइटम है इसको भी रिसीव पेमेंट रिकॉर्ड करेगा फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा अगर आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा तो ये भी रेवेन्यू नेचर की आइटम है इसको भी रिसीव पेमेंट रिकॉर्ड करेगा राइट right? तो बच्चे ये चीजें दिमाग में रखिएगा इसको भी रिसीव पेमेंट रिकॉर्ड करेगा अच्छा नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिसीव एंड पेमेंट एक्चुअली में आपके कैश और bank balances होते हैं और ये कैश और bank balances जाते हैं बच्चा जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस विल बी शोन इन ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड तो हमेशा याद रखिएगा ये चार पॉइंट्स रिसीव पेमेंट के विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सारे बच्चे बेटा ये चार पॉइंट्स पे फोकस कर लेना नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट दोस्त हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको हम लोग जस्ट एक पीएल की तरह बनाते हैं पीएल की तरह बनाने का मतलब क्या होता है बच्चा एक्सपेंसेस डेबिट इनकम्स क्रेडिट ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट जितने भी खर्चे हैं दोस्त इसको आप डेबिट कर दो जितनी भी इनकम्स हैं इनको आप क्रेडिट कर दो सारे खर्चे डेबिट सारी इनकम्स क्रेडिट अब अगर सपोज कर लीजिए इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम बैलेंस यहां पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस वैसा बरसा अगर बैलेंस आ गया मान लो एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम बैलेंस अगर इस तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डेफिशिएंट तो भाई ये सारे बच्चे अपने दिमाग में डाल लेना कि भाई अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम द बैलेंस इज सरप्लस वैसा बरसा होगा द बैलेंस इज डेफिशिएंट ओके बट इनकम एक्सपेंडिचर के वजह कुछ नॉर्म्स होते हैं सबसे पहली बात इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है मैंने आपको बता दिया दूसरी बात इनकम एक्सपेंडिचर हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनता है अक्रूवल का मतलब होता है बेटा सिर्फ करंट ईयर में जो आइटम्स ड्यू होती हैं उसी को रिकॉर्ड करता है तो हमेशा याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि जो आइटम्स आपकी करंट ईयर में है ड्यू उसी को रिकॉर्ड करेंगे सर एग्जाम्पल यस बच्चा आई गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस आई गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस गाइस देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो आप अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मान लो आप दो हजार बाईस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पर्टिकुलर रेंट ड्यू है यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई रेंट आपका ड्यू है फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए पंद्रह हजार का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में अब एक्चुअली में आपने ये रेंट पे करा है आपने ये रेंट पे करा बच्चा सपोज कर लीजिए फिफ्टीन थाउजेंड का इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन देखो अब इनकम एक्सपेंडिचर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट रिसीव पेमेंट को रिसीव से मतलब और पेड से मतलब है इनकम एक्सपेंडिचर को ड्यू से मतलब है अब ये ड्यू अगर 2022 में है तो वी विल रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2022। याद रखना तो बच्चे आपको इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस देखना है अक्रूवल का मतलब हो गया कि जिस दिन ड्यू होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे और रिसीव पेमेंट में आप हमेशा कैश बेसिस देखते हो मतलब जब पैसा आएगा और पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे तो सिंपल सा फंडा इसको याद रखना भाई डोंट फोगेट दिस जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए कोई आपको अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन 2022 मान लीजिए इंटरेस्ट इज बीइंग रिसीव्ड इन 2022 बट अगर सपोज कर लो ये जो इंटरेस्ट था ये एक्चुअली में ड्यू था ड्यू था 2021 में तो क्या मैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 2022 में रिकॉर्ड करूंगा जवाब है नहीं नहीं रिकॉर्ड करूंगा क्यों बिकॉज ये ड्यू कब था उसको देखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर में हम ड्यू देखते हैं और रिसीव पेमेंट में हमेशा रिसीव या पेड देखते हैं अच्छा नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली मेरा कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त इनकम एक्सपेंडिचर आइटम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिकॉर्ड करता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जैसे मैंने आपको यहां पर क्या बताया सेल ऑफ बिल्डिंग मान लो तुमने कोई बिल्डिंग बेची मान लो बिल्डिंग एक लाख की थी ठीक है अच्छा अब मान लीजिए बिल्डिंग की कॉस्ट थी सत्तर हजार रुपया अब सुनिएगा बच्चा तुम्हें तीस हजार का प्रॉफिट हो गया भाई साहब तुम्हें तीस हजार का प्रॉफिट हो गया ये जो प्रॉफिट होता है ये तुम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लोगे बट अगर तुम बोलोगे बिल्डिंग का सेल ये कहां पे रिकॉर्ड करोगे ये रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड ऑफ रिसीप्स एंड पेमेंट में आई मीन टू से बिल्डिंग की सेल का पैसा कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर मतलब बिल्डिंग की सेल एसेट की सेल एसेट का purchase, ये कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता राइट तो हमेशा याद रखिएगा एसेट की सेल और एसेट की कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाती बट right? so, एसेट की सेल से होने वाला प्रॉफिट या लॉस ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाता तो डोंट फॉरगेट दिस गाइस एसेट की सेल से होने वाला प्रॉफिट या लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में जाता देन वी है फर्स्ट सेक्शन क्या था रिसीव पेमेंट सेकंड सेक्शन क्या है इनकम एक्सपेंडिचर थर्ड सेक्शन क्या है बच्चा बैलेंस शीट बैलेंस शीट हमेशा याद रखिएगा दोस्त आपके पास दो फॉर्म्स भी होते एक होती है ओपनिंग एक होती है क्लोजिंग ओपनिंग में हम लोग हमेशा पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते याद रखना दोस्तों ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग हमेशा करंट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड तो ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं भाई हमेशा पिछले साल की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है उसमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन हम सारी रिकॉर्ड करते हैं डोंट फॉरगेट दिस गाइस इसको मत भूलिएगा प्लीज ओके okay, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनती है ध्यान से फोकस करके देखेंगे यहां पर सारे के सारे एसेट्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एसिट्स कौन से पिछले साल के याद रखना जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस शीट ताकि बच्चों को समझ में आ जाए ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा पिछले साल की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है ठीक है तो एसेट्स सारे हमने ले लिए लिएबिलिटी सारी हमने यहां पर ले ली बच्चा ठीक है अब हो सकता है कि एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है डिफरेंस कहां पर आता है बच्चा इस तरफ इस तरफ अगर डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल फंड

ये जो कैपिटल फंड होता है ये कैपिटल फंड यहां पे ट्रांसफर होता है ये कैपिटल फंड यहां पे ट्रांसफर होता है एंड दोस्तों याद रखना सरप्लस अगर इनकम एक्सपेंडिचर में आया सरप्लस को प्लस करते हैं डेफिशिट को हम लेस कर देते हैं याद रखेंगे सरप्लस को प्लस करा डेफिशिट होगा तो लेस करा लाइबिलिटी करंट ईयर की लिखी एसेट सारे टोटल लिख लिए बैलेंस शीट मिला ली ये वाली बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती ऑलवेज ऑलवेज तो मैं सारे बच्चों को दो मिनट दे रहा हूं एक रैपिड ओवरव्यू ले लो बच्चा मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं ताकि सारे बच्चे फटाफट -फड़ से एक रैपिड ओवरव्यू ले, ले। देखिए प्लीज बेटा एक बच्चे ने यहाँ पर डाउट टाइप करा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट और लाइबिलिटीज है वो फंड के बाद भी लिख सकते हैं यस बच्चा लिख सकते हैं पर आप कोशिश करो कि कैपिटल फंड को सबसे ऊपर लिखा जाए कोशिश यही करो बच्चा कैपिटल फंड सबसे ऊपर लिखा जाए अच्छा एक बच्चे ने और डाउट पूछा बोलता है सर मान लो यहाँ पर डेफिशिट आ गया तो ये डेफिसिट को क्या करेंगे हम लोग याद रखिएगा मान लो यहां पर अगर डेफिसिट आ गया तो ये डेफिशिट को हम लोग क्या करेंगे ये छोटी सी बात है ठीक है तो बच्चा अब इसमें एक चीज नोटिस करना डेफिशिट जो होता है ये बैलेंस शीट के एसिड साइड पे लिखा जाता है राइट ये डेफिशिट अलग होता है ये डेफिसिट होता है जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आता है और ये जो डेफिशिट होता है बच्चा ये डेफिशिट फंड होता है दोनों में फर्क है कि बच्चे दिमाग में रखना ये डेफिशिट कौन सा है जो इनकम एक्सपेंडिचर से आता है ये सरप्लस या डेफिशिट दोनों में से एक चीज आएगी बट अगर डेफिशिट फंड आ गया तो इसको हम लोग बेटर रहेगा एसेट साइड पे लेंगे राइट चलिए दोस्त आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा पहले बता देता हूं देखो दोस्त अगर मैं आपसे बात करूं कि एनपीओ का पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज एडजस्टमेंट एनपीओ का पूरा चैप्टर बच्चा इन्हीं एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड देखो जिसको ये एडजस्टमेंट आती है उसको सारा एनपीओ आता है पहली सबसे पहली मेजर एडजस्टमेंट याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन सेकंड फंड बेस अकाउंटिंग थर्ड कंज्यूमेबल आइटम्स नेक्स्ट डोनेशंस, नेक्स्ट लेगेसी नेक्स्ट एंट्रेंस फी लाइफ मेंबरशिप फी ऑनरेरियम सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट एंड एक्सपेंस अकाउंट तो दोस्त अगर तुम्हें ये एडजस्टमेंट्स आती है सारा चैप्टर आता याद रखना तो वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो ये सुपर टेन एडजस्टमेंट्स हैं अगर तुम्हें ये आती हैं तुम्हें सारा चैप्टर आता है ठीक है भाई सारे बच्चे फटाफट से इसको नोट करना चाहें कर सकते हो वैसे दिस क्लास विल बी ओपन फॉर यू ऑल तो आप बाद में भी नोट कर सकते हो चलिए सबसे पहले भाई सब्सक्रिप्शंस अब ये सब्सक्रिप्शन की कहानी क्या है इसको अच्छे से समझ लो सब्सक्रिप्शन बेसिकली मेंबरशिप फीस होती ठीक है अच्छा बच्चों को ये भी बता दूं एडजस्टमेंट्स होंगी क्या तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा बेटा ऊपर रिसिप्सन पेमेंट दिया होगा और तुम्हें नीचे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग एडजस्टमेंट्स याद रखिएगा ऊपर तुम्हें रिसीप्शन पेमेंट गिवन होगा और नीचे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स होंगी इसको आपको हमेशा ट्रीट करना है तो पहला नंबर वन एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस अच्छा इसको मैं कहता हूँ प्यार एश मोहब्बत वाई बिकॉज सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ एनपीओ को सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता है ये होता गया जब एन अपने मेंबर्स बनाता है तो अपने मेंबर्स को वो कहता है भाई कि आप एक ईयरली क्वार्टरली या मंथली फीस पे करो जब उनके मेंबर्स ईयरली क्वार्टरली या मंथली फीस पे करते हैं उन्हें हम सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का दूसरा नाम फीस। याद रखिएगा। का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल एक तो आप इसको रिसीव्स एंड पेमेंट के रिसीव साइड पे दिखाते हो याद रखिएगा दोस्तों एक आप कहां पे दिखाते हो रिसीव्स एंड पेमेंट के रिसीप साइड हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे That means in the credit side. So, दोस्तों याद रखिएगा ये आपके पास कहा जाएगा रिसीप एंड पेमेंट रिसीप साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड तो आपको जैसा पता है सारे एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं तो यहां भी इसके दो ट्रीटमेंट होते ही होते हैं राइट right? सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन देखो दोस्तों ट्रीटमेंट सिंपल होता है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के लिए लोग फॉर्मुले फॉलो करते हैं तो बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करता फॉर्मुला फॉलो करो करता गो विद लॉजिक्स लॉजिक क्या ओनली फर्स्ट एंड द फर्स्ट मेथड दैट इज अकाउंटिंग मेथड अकाउंटिंग मेथड सब्सक्रिप्शन का दी बेस्ट होता है देखिए सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है एनपीओ के लिए जैसे मैंने आपको बताया मेजर सोर्स ऑफ इनकम है अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट होता है सारे बच्चों को शायद पता होगा एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज पिछले साल का वो हमेशा डेबिट होता है तो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड सीवाई सीवाई मीन्स करंट ईयर पीवाई वाई मीन्स प्रीवियस ईयर तो जो बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है वो आपके पास हमेशा होता है पीवाई और जो एंड वाला होता है वो होता है सीवाई अब अगर मैं आपसे बात करूं एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा आपके पास एक लाइबिलिटी हो क्योंकि आपको जब इनकम एडवांस में आती है बच्चा वो हमेशा लाइबिलिटी होती है और ये हमेशा होता है बिगनिंग का बिगनिंग मतलब होता है पिछले साल का याद रखना कुछ भी आपके पास बिगनिंग का होगा वो पिछले साल का होगा और एंड का होगा वो करंट ईयर का होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा क्रेडिट साइड पे और इसका रिवर्स बैलेंस एट द एंड दिस साइड जो तुम टोटल कैश रिसीव करते हो सब्सक्रिप्शन का याद रखिएगा टोटल कैश रिसीव वो यहां पर आ जाता है एंड वेन यू एट सब्रैक्टेड हमेशा यहां पे बैलेंस आता है बच्चा एंड दिस बैलेंस इज ट्रांसफर्ड एज इनकम सब्सक्रिप्शन ड्यू याद रखना और इसी बैलेंस को हम इनकम साइड पे ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोस्तों याद रखना यही तुम्हारा बैलेंस है राइट सो ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ये छह आइटम्स के ऊपर बेस्ड होता है इनमें से पांच गिवन होती हैं और आपको एक निकालनी होती है मैं आपको ना इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन है इसको करके बताता हूं ठीक है सारे बच्चे क्या करना भाई इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करना इसके ऊपर आपको मैं थोड़ा सा अकाउंट बना के बताता हूँ आप सारे बच्चे देखो अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ ठीक है प्लीज सारे देख लीजिएगा आपको पता है करंट ईयर है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी दोस्तों करंट ईयर कितना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तो करंट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी है ठीक है अब आप देखिए कैश रिसीव्ड पहली आइटम क्या लिखी है कैश रिसीव्ड तो यहां पर आता है बाय कैश बाय कैश रिसीव आपके पास क्या आ गया बच्चा एक लाख रुपया तो कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन आपका क्रेडिट साइड पे एक लाख रुपया ठीक है वी ओपनिंग एडवांस होता है सारे बच्चे प्लीज फोकस करते जाइएगा ओपनिंग ऑब्वियसली आपके पास इन क्रेडिट साइड तो ओपनिंग एडवांस आप देखोगे दस हजार रुपया 2019 का होगा वो opening advance हो राइट Right? तो so, 2019 का होगा दोस्त आपके पास ओपनिंग एडवांस हो जाए। Then we have outstanding subscription, 2019 का। तो so, दोस्त ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा पंद्रह हजार रुपया टू न वी हैव थर्टी फर्स्ट पास ट्वेंटी का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो यह हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देन एडवांस पच्चीस हजार रुपया तो दोस्त ये आपके पास क्लोजिंग में एडवांस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब आप सारे बच्चे चेक कर लो यहां पर आप देखोगे तो टोटल मेरे पास आ जाता है वन लाख थर्टी थाउजेंड प्लीज फोकस कर लीजिएगा और यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर आपके पास टोटल आ जाता है फोर्टी थाउजेंड वन थर्टी में से फोर्टी थाउजेंड निकाल दो बैलेंस आता है नाइन्टी थाउजेंड अब ये नाइन्टी थाउजेंड आपका चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिस इज योर सब्सक्रिप्शन ड्यू ये सारे बच्चे चेक कर लीजिएगा दिस इज योर सब्सक्रिप्शन ड्यू तो भाई यही अपने को समझ में आना चाहिए और यही बात हमारी सारी मेन है बेटा अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम और आती है जो बच्चे फेस करते हैं ठीक है देख लीजिएगा बच्चा एक प्रॉब्लम आप लोग और फेस करोगे जिसको हम लोग कहते हैं फॉर एंड ऑन का स्यापा याद रखिएगा दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट जो बच्चों को तकलीफ देता है फॉर एंड ऑन का स्यापा इसको हम कहते हैं भाई ये बहुत प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट करके देता है ये क्या होता है याद रखना जब भी क्वेश्चन में फॉर लिखा है ठीक है फॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये बात याद रखना इसका मतलब होता है इसमें पिछले किसी और साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूसिव नहीं है तो रिपीट कर रहा हूं जब भी क्वेश्चन में फॉर लिखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे एग्जाम्पल दूंगा कई बार लिखा होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लीजिए आपका करंट ईयर है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में लिखा है फोर uh, साथ में फॉर लिख दिया फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सॉरी फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिख दिया भाई तो अगर आपको फॉर लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि इस टेन थाउजेंड रुपीज में पिछले किसी साल की आउटस्टैंडिंग इंक्लूसिव नहीं है ठीक है बट अगर सपोज कर लीजिए ऐसे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन या एट On के साथ कई बार एट लिखा होता है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैन इट इन इट इंक्लूड्स प्रीवियस बच्चे बेटा ये बात दिमाग में रखिएगा अगर आपके पास वहां पर ऑन लिखा है एंड फॉर लिखा है तो यह पंगा सिर्फ पड़ेगा आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दोस्तों याद रखिएगा ये प्रॉब्लम सिर्फ कहां पर आएगी आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो फ्रेंड्स ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ आएगी जब आपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना होगा ये और किसी में दिक्कत नहीं आएगी राइट तो इट इज बेसिकली कॉल्ड एस फॉर एंड ऑन का स्यापा सो so अगर फॉर है पिछले किसी साल का सब्सक्रिप्शन एडिड नहीं है ऑन लिखा है तो है नेक्स्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं बच्चा इज नंबर टू फंड बेस अकाउंटिंग देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत सिंपल होता है एनपीओ कई तरह के फंड बनाता है स्पेसिफिक पर्पज के एन पी को कई बार छोटे छोटे फंड्स बनाने पड़ते हैं जैसे होता है एंडोनमेंट फंड स्पेशल पर्पज फंड ठीक है जैसे मान लो एनपीओ कोई टूर्नामेंट करवा रहा है तो टूर्नामेंट फंड हो जाता है मान लो एनपीओ कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो जाता है कोई बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग फंड हो जाता है तो एनपीओ कई बार ऐसे छोटे छोटे फंड क्रिएट करता है तो जब एनपीओ बच्चा ऐसे फंड्स क्रिएट करेगा ना तो एक छोटी सी बात याद रखना उसमें फंड बेस अकाउंटिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है जो ओपनिंग बैलेंस होता है फंड का ओपनिंग बैलेंस उसमें जो भी फंड्स की इनकम है आई रिपीट जो भी फंड्स की इनकम है उसको हम प्लस कर देते हैं।, जो के खर्चे हैं खर्चे खर्चे को लेस कर देते हैं अगर मान लीजिए बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है ठीक है तो हम क्या करते हैं बेटा इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइट पे ट्रांसफर करते कहा ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी अब अगर सपोज कर लीजिए मान लो ये खर्चे हो गए ज्यादा तो बैलेंस क्या आ गया नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो इस केस में हम फंड्स को क्या करते हैं हम फंड्स को वहां पर एक्सपेंस मानते हुए इसको एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं एक्सपेंस का मतलब हो गया डेबिट साइड ऑलवेज रिमेंबर फंड अकाउंटिंग बहुत सिंपल सा रहेगा आपको फंड के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं फंड के आपके पास इनकम्स गिवन होती है फंड के एक्सपेंस गिवन होते हैं तो so जो फंड की इनकम होती है उसमें ऐड करा एक्सपेंस को लेस करा पॉजिटिव आया तो लाइबिलिटी नेगेटिव आया तो expense. Expense का मतलब हो गया इट इज टू बी शोन इन द डेबिट साइड याद रखिएगा हम तो लोग डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं नेक्स्ट बच्चा इसके बाद आता है कंज्यूमेबल आइटम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो ऑलमोस्ट हर सम में होता है जैसे मैं आपसे बात करता हूं मेडिसिन कंज्यूम्ड स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है आपको इसमें निकालना पड़ता है मेडिसिन कंज्यूम स्टेशनरी कंज्यूम तो दिस इज देयर इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन राइट तो सारे बच्चे बेटा इसको याद रखना इसको निकालने के लिए हम लोग दो स्टेप फॉलो करते हैं आपको कई बार क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है बट याद रखना इट इज नॉट नेसेसरी स्टेप वन आपको हर सम में करना पड़े स्टेप वन तभी करना है वेन परचेजेज आर मिसिंग याद रखना स्टेप वन तभी करना इफ परचेज आर नॉट गिवन कई बार क्वेश्चन में परचेजेस सीधी सीधी गिवन होती है फिर आपको स्टेप वन की जरूरत नहीं ठीक प्रोडक्ट परचेज आर नॉट गिवन सो वी हैव टू फॉलो स्टेप वन अब स्टेप वन में क्या होगा दोस्त देखो सिंपल सी बात आपको बता दो क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस इन द क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस इन द डेबिट साइड अच्छा कई बार क्या होता है हम क्रेडिटर्स को एडवांस पे कर रहे हैं अगर आप क्रेडिटर्स को एडवांस पे करते हो तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इज योर एसेट इट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंस याद रखना एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इज योर एसेट इट इज जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस तो एनी सॉर्ट ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स डेबिट साइड बाईसो वर्षा बैलेंस आएगा उसका क्लोजिंग अच्छा अब इसमें अगर सपोज आप क्रेडिटर्स को जैसे आप ये क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हो आप अगर इनको कोई कैश पे करते हो तो एंट्री आती है क्रेडिटर्स टू कैश ठीक है यह आता है फिर आप प्लस माइनस करते हो एंड यू गेट द डिफरेंस आउट हिस्सर एंड दिस इज कॉल्ड एस उधार वाला परचेज उधार वाली परचेज आती क्रेडिटर्स अकाउंट से फिर आप स्टेप टू फॉलो करते हो ओपनिंग स्टॉक में कैश परचेज उधार वाली परचेजेस को प्लस करा उसमें से परचेज रिटर्न को लेस करा और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करा और ये तुम्हारे पास बैलेंस आता है कंज्यूम्ड याद रखना ओपनिंग स्टॉक प्लस सारी परचेजेस कैश और क्रेडिट परचेज रिटर्न लेस और क्लोजिंग वॉन्स यू गेट कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड को हम क्या करते हैं बेटा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड ऑलवेज रिमेंबर इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे नाउ आपके पास एक कॉन्ट्रवर्सी और आती है सर ये जो क्रेडिटर्स होंगे इनका क्या करेंगे देखो बहुत सिंपल सी बात है ये क्रेडिटर्स अगर होंगे तो ये तुम्हारी अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ठीक है सपोज कर लो तुमने जो एडवांस पे करा अच्छा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सर एडवांस पे का बैलेंस गिवन होगा तो क्या होगा एडवांस पे टू क्रेडिटर्स बच्चा क्लोजिंग में एसेट साइड पे इसी तरीके से फाइस वर्षा ये किधर चला जाएगा ओपनिंग में ठीक है ओपनिंग में एडवांस किधर चला जाएगा बेटा ओपनिंग वाला ओपनिंग में एसेट साइड पे और जो ओपनिंग वाला होगा वो ओपनिंग क्रेडिटर्स किधर चला जाएगा बच्चा ओपनिंग में लाइबिलिटी अच्छा इसमें एक चीज और होती है जो तो बच्चों को समझ में आनी चाहिए जैसे ये स्टॉक्स लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक बच्चों को मैं यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको अगर ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक बच्चा बैलेंस शीट में एसेट्स। कौन सी बैलेंस शीट बच्चा एंड की। जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कहाँ जाएगा एसेट साइड पे ओपनिंग बैलेंस शीट भाई ये सब थोड़ी सी बातें ना अपने दिमाग में बिठा लो बिकॉज दीज विल बी वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है तो ये कंज्यूम वाला फंडा आपको क्लियर होना चाहिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया सेकंड आपने कंज्यूम निकाला कंज्यूम निकालने का फंडा इज वेरी सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल परचेजेस माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वी गेट द बैलेंस एस कंज्यूम कंज्यूम को इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर दिखाना है ओके तो नेक्स्ट बच्चा अगर आप देखते हो फोर्थ एडजस्टमेंट इज कॉल डोनेशन डोनेशन आपके एनपीओ का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम याद रखिएगा डोनेशंस आपके एनपीओ का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है डोनेशन का सीन बहुत सिंपल है एक आप लोग कहाँ दिखाते हो बेटा रिसीव साइड पे एक कहाँ पे दिखाते हो इनकम साइड पे छोटी सी बात याद रखिएगा डोनेशंस को कहाँ दिखाते हैं बच्चा रिसीव साइड पे सेकंड इनकम साइड ये बात याद रखिएगा तो डोनेशन रिसीव्स और इनकम्स में चली जाती है डोनेशंस आपके पास हमेशा दो तरीके की होती है एक हम कहते हैं जनरल एक होती है स्पेसिफिक देखो डोनेशंस जो किसी जनरल पर्पज के लिए दिया गया जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक मंदिर गए मंदिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है आपने दान पेटी में जाकर पैसे डाल दिए राइट right? तो आपने कोई पर्पस डिफाइन नहीं करा तो वो कौन सी डोनेशन है वो आपकी जनरल डोनेशन है बट अगर सपोज कर लीजिए आपने वहाँ पर कोई चैरिटेबल ऑर्फनेज वगैरह में गए पर जाकर बोला बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए डोनेशन दी है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन आमतौर पे बिग अमाउंट होता है इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चा जो मैंने लिखा है स्पेसिफिक डोनेशन आमतौर पे बड़े अमाउंट होते हैं कई बार क्वेश्चन में डोनेशंस गिवन होंगी और आपको क्लैरिफाई नहीं किया जाता मेरी बात को समझ लीजिएगा बेटा तो डोनेशंस का अगर बिग अमाउंट होगा तो वो कौन सी होती है स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट डोनेशन आमतौर पर कौन सी होती है जनरल जनरल डोनेशंस को हमेशा इनकम साइड पे शो किया जाता है बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन है उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो याद रखना दोस्तों जनरल डोनेशन इज ऑलवेज शोन इन द इनकम साइड, बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक डोनेशन की इट इज ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज नंबर फाइव इट इज कॉल लेगेसी बेटा लेगेसी क्या होती है सपोज कर लो एक बहुत बड़ा आदमी है भाई अमीर आदमी है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसने प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम को दान कर दी राइट तो लेगेसी मतलब उसने सारी प्रॉपर्टी बेटा अपनी विल के साथ वसीयत के साथ उसने विल के साथ वसीयत के साथ सारी प्रॉपर्टी अपने किसी अनाथ आश्रम को दान कर दी अब लेगेसी का फंडा क्या है? मेरी बात को समझिएगा रिसीव साइड पर लेगेसी आती है क्यों एक एन को सिंपल सी बात है कट्ठी प्रॉपर्टी आ रही है बात को समझो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ खट्टी प्रॉपर्टी आ रही है ठीक है तो वो उनके लिए क्या है बच्चा एक हिसाब से रिसीव बट अब लेगेसी का एक प्रॉब्लम है लेगेसी के साथ कई बार लिखा होता है कैपिटलाइज कई बार लिखा होता है नॉट टू बी कैपिटलाइज बच्चा ध्यान से मेरी बात समझना लेगेसी के साथ कई बार लिखा होता है कैपिटलाइज कई बार लिखा होता है नॉट टू बी कैपिटलाइज अगर लेगेसी के साथ लिखा हुआ है कैपिटलाइज तो आपने इसको कहां दिखाना है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज रिमेंबर अगर लिखा हुआ है कैपिटलाइज तो कहां दिखाते हो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड अगर लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज क्या लिखा है बेटा नॉट टू बी कैपिटलाइज दैट मीन लेगेसी को आपने एक जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करना है और इसको इनकम साइड पर दिखाते क्या मानते बच्चा इसको इट इज लाइक योर जनरल डोनेशन इसको क्या मानते हैं इनकम अब एक बात याद रखना अगर मान लो क्वेश्चन में लेगेसी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है तुम लोग जनरली नीचे नोट कर क्या मान लेते हैं लेगेसी इज कैपिटलाइज सारे बच्चे एक बात दिमाग में रखिएगा बच्चा अगर आपको सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम लोग लेगेसी को कैपिटलाइज ठीक है वो बेटर रहता है क्योंकि लेगेसी इज अ बिग प्रॉपर्टी विच इज डोनेटेड बाय सम पर्सन ऑन हिज डेथ और बाय हिज विल वसीयत के तौर पे इसीलिए लेगेसी को कैपिटलाइज करना इज ऑलवेज बेटर नेक्स्ट एंट्रेंस फी सिक्स एडजस्टमेंट एंट्रेंस फी क्या होती है देखो जब आप किसी एनपीओ में एंटर करते हो जब आप किसी एनपीओ में आते हो ठीक है तो एनपीओ सबसे पहले आपसे क्या डिमांड करता है कि भाई आप एक काम करो एंट्रेंस फी दे दो तो भाई साहब जो एंट्रेंस फी होती है सिंगल ही आएगा यहाँ पर हमारे थोड़े टाइपिस भैया ने गड़बड़ करी है भाई तो एंट्रेंस फी का चक्कर ऐसा होता है देखो एंट्रेंस फी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीव्स तो पक्का है

अब एंट्रेंस फी रिसीव साइड में पक्का दिखाई जाती है ये बात याद रखना रिसीव साइड में पक्का दिखाई जाती है दैट इज टू फाइनल बट एंट्रेंस फी का फंडा क्या होता है सेम चीज कैपिटलाइज्ड या नॉट टू बी कैपिटलाइज अगर तो इसके साथ क्लियरली लिखा हुआ है कि कैपिटलाइज करना है तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड अगर लिखा हुआ तो है नॉट टू बी कैपिटलाइज तो कहाँ दिखाते हैं बेटा इनकम्स एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड अब अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा मान के चलते कि एंट्रेंस फी नॉट टू बी कैपिटलाइज नॉट टू बी कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड कहां दिखाएंगे बच्चा इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड ऑलवेज रिमेंबर रिवर्स ऑफ लेगेसी लेगेसी में बेटर रहता है कि आप लोग वहां पर कैपिटलाइज मानो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर दिखाओ दैट्स बेटर बट अगर हम यहां पर बात करें एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फी हमेशा क्यों की जाती है इट्स नॉट टू बी कैपिटलाइज ओके, एडजस्टमेंट नंबर वन लाइफ मेंबरशिप फीस अब अगर सपोज कर लीजिए भाई हमने रिज्यूम कर लिया चल भाई आज से आप हमारे एनपीओ के मेंबर हो और आप आज जीवन हम आपको सेवाएं देते रहेंगे तो आप एक काम करो भाई आप एक लमसम अमाउंट हमें दे दो ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस जैसे छोटे छोटे क्लब्स होते आपको पता है आप जब क्लब्स में एंटर करते हो भाई क्लब्स में आप मेंबरशिप लेते हो आपको बोला जाता है कि भाई जब तक आप जिंदा हो तब तक आप मेंबर हो यू हैव टू गिव अ लम सम अमाउंट तो, तो आमतौर पे बच्चा लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्स तो होती होती है डेफिनेटली होती बिकॉज द मनी इज कमिंग इन क्या सोचने वाली बात है कि लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी इट इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी वाई इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज इट इज ऑलवेज रिसीव इन एडवांस लम सम में मिल जाता है एंड यू हैव टू सर्व दैट मेंबर टिल इज दिल्फ जब तक वो जिंदा है तब तक आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी अपने मेंबर की मतलब उसके मेंबर को सारी सर्विसेज देनी पड़ती है दैट इज वाई लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज अटी देन बच्चा वी हैव एट्थ ऑनरेरियम भाई साहब अब ऑनरेरियम क्या होता है थोड़ा बच्चों को याद करा देता हूँ भाई कुछ खास बात नहीं अगर सपोज कर लीजिए कोई आपने पब्लिक स्पीकर बुलाया कोई आपने सपोज कर लो कोई परफॉर्मेंस बुलाए जो एन के किसी फंक्शन में डांस कर रहे हैं या मान लीजिए स्पीचेस दे रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कलाकार बुला लेते हैं भाई वो भाई साहब आ रहे हैं और वो आकर अपना कोई डांस का प्रोग्राम शो कर रहे हैं उसको हम लोग पैसा देते हैं और उस पैसे को हम कहते हैं ऑनरेरियम दैट मीन्स उनके ऑनर में हमने उनको पेमेंट करी है तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड आज ऑनरेरियम ऑनरेरियम एक पेमेंट तो होती होती है बिकॉज पैसा आपसे जाता है दूसरा वो आपका खर्चा होता है ठीक है दूसरा भाई वो आपका खर्चा होता है याद रखना ऑनरिजम को कभी लाइबिलिटी नहीं मानते बच्चे गलती करते बेटा। याद रखना यहाँ पर सिंपल सी बात है आपके पास वो हमेशा लाइबिलिटी मत ट्रीट करना उसको दैट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस हमेशा वो खर्चा होता है ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वी हैव नाइन्थ का फंडा क्या है बेटा सेल ऑफ देखो कई बार इसका पंगा पड़ता है मेरी बात को समझना कई बार बच्चा ट्रीटमेंट करना होता है इस केस में हम क्या है? हम एक अकाउंट बनाते है तो उसका करते हैं कैसे बनाते हैं देखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बन सकता है ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली एसेट है ठीक है क्लोजिंग बैलेंस इट्स ऑब्वियस क्रेडिट साइड फिक्स एसेट की अगर तुम्हें परचेज गिवन है तुम डेबिट साइड पे क्यों बिकॉज एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट टू बैंक चाहे लर्न कर लो चाहे एंट्री वाइज अगर सपोज कर लीजिए फिक्स्ड एसेट को सेल करा तो एंट्री होती है बैंक टू फिक्स्ड एसेट क्या एंट्री होती है बच्चा बैंक टू फिक्स्ड एसेट ठीक है अब अगर सपोज कर लो मान लो फिक्स्ड एसेट बेचा लॉस हो गया लॉस इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे चला जाता है यहां पर देखिए कभी प्रॉफिट हो गया तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड साइडियशन होती है तो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड अब प्रॉब्लम क्या है बेटा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना क्यों बढ़ता है इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन ठीक है अब हो सकता है डेप्रीसी ना हो तो डेप्रीसिएशन निकालोगे तभी इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा क्योंकि तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है लॉस आपका हो सकता है मिसिंग हो हो सकता है प्रॉफिट मिसिंग हो हो सकता है एसेट की परचेज मिसिंग हो तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना पड़ेगा दिस इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्मेट, गाइस, अ हार्ट अराउंडेड यू हैव टू मेमोराइज दिस क्योंकि ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है एसेट अकाउंट ठीक है एंड द लास्ट एडजस्टमेंट गाइस विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट ऐसे मत बनाना कभी भी एक्सपेंस अकाउंट तभी बनाना जब क्वेश्चन में आपको बड़ा क्वेश्चन है और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के बैलेंसेस अदरवाइज एक्सपेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ठीक है एक्सपेंस अकाउंट की जरूरत तभी पड़ती जब वी हैव बिग क्वेश्चन मान लो प्रीपेड दिया प्रीपेड दिया तो उसको ऑब्वियसली एसेट मानो एसेट को डेबिट साइड पे अगर मान लो क्लोजिंग क्लोजिंग प्रीपेड रिवर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अबिलिटी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड इज ऑन द रिवर्स साइड ठीक है अब यह सारे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाना इसके बाद कोई भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो एक्सपेंस टू कैश क्या एंट्री करते हो बच्चा एक्सपेंस टू कैश और अगर आप देखोगे दस माइनस करा यहां पर बैलेंस आता है इसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यू ये बैलेंस आपका जाता है देखो मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ अगर मान लो आपके पास प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनके बैलेंसेस दिए हों तो, तो बनाओ कई बार सब में क्या लिखा होता है समझना प्लीज जैसे फॉर एग्जाम्पल सब में क्या आपको दिया होता है दोस्त मान लो आपको दी हुई है फॉर एग्जाम्पल एक सैलरी ठीक है ऊपर दी हुई है टू थाउजेंड और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बस खाली आउटस्टैंडिंग एट द एंड हंड्रेड अब आपको पता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम लोग प्लस ही कर देते हैं तो आपको अब इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सपेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है राइट right? तो अब आप क्या करोगे आप जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे केरा एक्सपेंस साइड एक्सपेंस साइड पे आप सैलरी लिखोगे ट्वेंटी वन हंड्रेड खत्म दोस्त ये बातें याद रखिएगा दोबारा से बोल रहा हूं एक्सपेंस अकाउंट हर समय मत बनाओ उस समय बनाओ जहां पर एक्चुअली रिक्वायर्ड है ओके okay, बेटा पहले तो आप सारे जो ऑनलाइन लगा रहे हो ना अगर आपको सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं फटाफट से भाई एक स्माइल्स भेज दो कि एडजस्टमेंट्स जल्दी से भाई अपने अपने भाई एक चेहरों की मुस्कान कि भाई एडजस्टमेंट्स आर क्लियर ठीक है अगर सारे बच्चों का एडजस्टमेंट्स क्लियर है मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करा है जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं ठीक है बी कवरिंग लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस तो हम लोग लाइक वहाँ पर ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स अप कर लेंगे बच्चे क्या करेंगे भाई ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नोट करने का टाइम अभी आपको नहीं मिलेगा I would recommend बच्चा मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं बच्चों के लिए सम का स्क्रीनशॉट ले लो इट्स ए वेरी यूजफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ एस चलो भाई अब सब बच्चों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा क्वेश्चन का और अब आप लोग सारे आ जाओ ये कंप्लीट सम तुम्हें एक बार मैं करा रहा हूं जिससे तुम्हारा पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिएगा बच्चा आपको रिसिप्स पेमेंट गिवन है आपका ईयर है थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार सोलह आपको रिसिप्स इन पेमेंट 2016 के हिसाब से गिवन है ध्यान से देखिएगा दोस्तों वी हैव कैश इन हैंड सब्सक्रिप्शन हमें पिछले तीन सालों की गिवन है 2015 2016 2017 सारे बच्चे चेक कर लेना इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंट्रेंस फीस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज फर्नीचर सैलरीज िंटिंग एंड स्टेशनरी और बैलेंस आपको दोस्त बोला क्या है आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना है क्लब हैज फिफ्टी फोर मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ टेन रुपीज बच्चा जब ये लाइन लिखी होती है ना कि क्लब हैज फिफ्टीबर्स तो आप सब्सक्रिप्शन छोड़ ठीक है सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी पाँच हजार चार सौ मेम्बर्स दस रुपये के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस अमाउंटेड टू सेवेंटी ये एरियर्स है दो हजार पंद्रह का पहले बेटा आप एक काम करो सब्सक्रिप्शन दो हजार पंद्रह का आपका अगर आप नोटिस करते हो टू सेवेंटी एरियर्स है ठीक है सारे बच्चे पहले इस पॉइंट को समझ लेना कि सब्सक्रिप्शन दो हजार पंद्रह का आपका टू सेवेंटी का एरियर्स है एक मिनट भाई मेरे को लगता है कि अपने पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से सम को पढ़ोगे भाई साहब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना अब आपके पास लिखा है 270 का एरियर्स है इसका मतलब आपको पहले समझा इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फंडा दोस्तों इसका मतलब समझिएगा 270 का अगर एरियर्स है तो आप मुझे बताओ पिछले साल का रिसीव कितना करा हुआ है 900 सारे बच्चे चेक कर लो बेटा पिछले साल का हमने रिसीव कितना करा हुआ है 900 मतलब 270 आपका आज भी एरियर्स में है आपका आज भी एरियर्स में है ये बात याद रखिएगा तो 270 आपका आज भी एरियर्स में है मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी आपके पास 270 सेवेंटी प्लस नाइन बात समझ में आ रही है क्योंकि तो यहीं से आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा भाई मैं बच्चों को रेकमेंड क्या करूंगा सबसे पहले आप जब क्वेश्चन शुरू करते हो स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट याद रखिएगा ठीक है तो ऑलवेज 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 गाइस स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन चलिए यहां पर आपको भाई जब आप अकाउंट बना रहे हो आपको हमेशा शुरू करना है वर्किंग नोट्स के साथ और बच्चा वर्किंग नोट्स में आपको रेकमेंड करूंगा ऑलवेज बिगिन विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट ध्यान से देखते जाना हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे ठीक है फोकस करिएगा एंड प्लीज देखते जाइएगा जो तुम यहां पे कैश रिसीव कर रहे हो आप देखो आप सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव कर रहे हो बच्चा आप रिसीव कर रहे हो फोर नाइन नाइन फाइव जीरो याद रखना दोस्तों आप कितना पैसा रिसीव कर रहे हो फोर नाइन नाइन फाइव ज़ीरो चेक कर लीजिएगा तो आप फोर नाइन नाइन फाइव जीरो आप रिसीव कर ठीक है अब जो ड्यू होती है सब्सक्रिप्शन ड्यू याद रखना जब भी आपको नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो कि 5,400 मेंबर्स हैं दस रुपए का आपका एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेना है ये हमेशा ड्यू होती फ्रेंड्स ऑलवेज मार्क दिस नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज ऑलवेज योर सब्सक्रिप्शंस ड्यू इट इज ऑलवेज योर सब्सक्रिप्शंस ड्यू ये बात याद रखनी है चलिए अब सुनते जाइएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी होगी मेरे पास अगर जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग वो होगी 270 सेवेंटी प्लस नाइन क्योंकि 900 तुम्हें अभी इस साल मिल रही है उसके बावजूद 270 तुम्हारी आउटस्टैंडिंग है पहले तुम्हारी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 1170 1170 तुम्हारी आउटस्टैंडिंग थी अच्छा ये जो टू की आपके पास साढ़े लिखी वो कर लेना 2017 की जो साढ़े चार सौ लिखी हुई है मेरे भाई ये आपकी एक्चुअली में क्लोजिंग एडवांस है ये कौन सी है बच्चा ये आपकी क्लोजिंग एडवांस है तो बच्चा याद रखिएगा, दिस इज योर क्लोजिंग एडवांस दिस 450। तो so 450 इज योर क्लोजिंग एडवांस चलो अब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है व्हाट इज ओपनिंग एडवांस ओपनिंग एडवांसेस निल ओपनिंग एडवांसेस बेसिकली निल याद रखिएगा अब आप सारा प्लस माइनस करके क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल सकते दोस्तों जब आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालोगे वो आपके पास कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके पास बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा राइट right? तो सारे बच्चे चेक कर लो यस गाइस यू आर एब्सोल्युटली राइट कुछ बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं उटस्टैंड अब याद रखना ये जो बैलेंस आता है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन से? याद रखना ये जो बैलेंस हैल्सो ये हमेशा पता कौन सा बैलेंस आता है ये वो ऑन वाला बैलेंस आता है ऑन वाला बैलेंस ऑन वाला मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ पिछला साल also. इसमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है याद रखिएगा ठीक है सो इट इंक्लूड ऑल द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल इसमें कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती राइट right? पहले तो बच्चे इस चीज को दिमाग में रखें एक हमने बना लिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेकेंड आउट द एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर अकाउंट अकॉर्डिंगली अब आप देखोगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है ठीक है तो हमें कंज्यूम निकालना पड़ेगा कंज्यूम निकालने के लिए बच्चा स्टेशनरी की परचेजेस आपको गिवन है अगर आप ध्यान से देखते हो आपको यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हो बच्चा इसी को हम स्टेशनरी परचेज मान लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हमें पहले सेकेंड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर टू हम यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकाल लेंगे तो याद रखना कैसे निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोज चेक आउट द ओपनिंग स्टॉक प्लीज ओपनिंग स्टॉक अगर तुम चेक करते हो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा 375 तुम्हें गिवन है 261 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 375 ओपनिंग स्टॉक 261 तुम्हारा क्लोजिंग परचेजेज अच्छा परचेजेस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी दैट इज टू सिक्स सेवन ज़ीरो टू सिक्स सेवन जीरो की तुम्हारे पास परचेज थ्री सेवनटी फाइव टू सिक्स सेवन जीरो माइनस टू सिक्सटी वन ये तुम्हारे पास आ गया टू सेवन एट कंज्यूम अब ये स्टेशनरी कंज्यूम बच्चा तुम कहाँ पे शो करोगे तुम शो करोगे बच्चा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड ठीक है ये बात दिमाग में रख नेक्स्ट इसके बाद तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट अगर आप इसको चेक करते हो एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज ये बात आपको बोल दी है एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर दिया भाई एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करने का मतलब हो गया एंट्रेंस फी हमारी कैपिटलाइज कर दी ठीक है आगे सुनिएगा इसको हम ट्रीट करेंगे बच्चा सैलरी सोलह सो पचास रुपए की दिसंबर 16 की याद रखना भाई वो आउटस्टैंडिंग है अब देखो दिसंबर 16 दिसंबर 16 आपका करंट ईयर है आपको खाली सैलरी को लेकर एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है क्या कि वो आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस दो 2015 का क्या आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का बेटा 2015 इस पिछला साल याद रखना क्लब ने एक रुपया पे करा है टू में टूवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस Of which 375 relates to 2016. मतलब क्लब ने क्या करा भाई क्लब ने वहां पर कुछ अमाउंट पे करी एक हजार रुपए की दो हजार पंद्रह में याद रखो तो दो हजार पंद्रह की उन्होंने अमाउंट पे करी है टेलीफोन चार्जेस को लेकर दो हजार पंद्रह में पे करा बेटा वो एक्चुअली इस साल था रिलेटेड तो पिछले साल एडवांस दिया हुआ है ये सब बातें याद रखेगा दिस इज एक्चुअली प्रीवियस ईयर एडवांस और आपके पास नीचे लिखा है 2015 में पंद्रह की वैल्यू ये थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये थी बेटा जितने भी 2015 की इन्फॉर्मेशन है सारी ओपनिंग बैलेंस शीट में काम आएगी हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जितनी भी आपकी 2015 की इन्फॉर्मेशन है ना ये कि सारी किस में काम आती है ओपनिंग बैलेंस शीट याद रखना अब मैं एक काम करता हूँ आपको यहाँ पर अब शुरू करता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि और कोई खास अकाउंट आपका नहीं बनेगा लेट्स बिगिन विद ओपनिंग बैलेंस अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं तो आई रिक्वायर ऑल आइटम्स देयर मुझे दो हजार पंद्रह के अंदर की मुझे सारी आइटम्स चाहिए अब 2015 के अंदर मेरे पास यहां पर क्या क्या गेवन था प्रेमिसवन थ्री फाइव डबल जीरो बच्चा आपको गिवन है प्लीज फोकस करिएगा सेवन थ्री फाइव डबल ज़ीरो नेक्स्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट्स गिवन है इन्वेस्टमेंट्स कितनी है नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मार्क करते जाइएगा दोस्त नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स की ठीक है अच्छा फिर आप देखो दो हज़ार पंद्रह की कौन कौन सी है इसको पढ़ो प्लीज़ ये पढ़े बच्चा क्लब ने पे करा थाउजेंड रुपीज़ दो हज़ार पंद्रह में ये टेलीफोन चार्जेस थे जो 2016 से रिलेटेड थे बेटा क्लब ने जो थाउजेंड रुपीस पे करा हुआ है ना बच्चा वो एक्चुअली में 375 रुपए उसमें से वो कौन से थे वो 2016 के थे बेसिकली ये पिछले साल के लिए एडवांस हो गया एडवांस दैट मींस प्री पेड टेलीफोन चार्जेस प्री पेड टेलीफोन चार्जेस आपका एसेट होता है याद रखना इट इज प्री पेड एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख देता हूं टेलीफोन चार्जेस तो ये आपका थ्री सेवेंटी फाइव एक हिसाब से प्रीपेड हो गया एडवांस so, देखते जाइएगा फिर दो हजार पंद्रह की कौन सी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है दो हजार पंद्रह के जितने दो हजार पंद्रह की इन्फॉर्मेशन है सारी कैच करो so, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज है प्लीज फोकस करिएगा तो थ्री नाइनटी सिक्स क्या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस राइट अब आप देखोगे 2015 की यहां पर आपके पास और कौन सी है आपको याद होगा एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए दो हजार पंद्रह जहां पर पिछले साल लिखा हुआ 2015 और हमारे पास एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है हमारे पास क्या वन बच्चा है? एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो जितना 2015 का इंफॉर्मेशन है मैं तो सब यहां पर गैदर करता जा रहा हूं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 375 सेवेंटी फाइव आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको याद होगा 270 सेवेंटी में नौ प्लस करा था मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आई थी 1170 याद करिएगा 1170 मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आइटम्स आई डन इसके बाद नेक्स्ट फिर आप देखते हो बच्चा मेरे पास ओपनिंग में यहाँ पर एक कैश का बैलेंस दिया हुआ है 4500. तो जो ओपनिंग में कैश का बैलेंस दिया होता है बच्चा वो भी आपका एसेट होता है और इधर आप देखोगे एक ओपनिंग में नाइन थ्री हंड्रेड का बैंक ओवर ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी आप सिर्फ इतना चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन को मैंने इकट्ठा कर लिया बस ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बन ठीक है थीके? अब जब आप इसका टोटल करोगे इसका टोटल आता है नाइन नाइन फोर टू जीरो अब आपने करना क्या बेटा लाइबिलिटी और एसेट्स का डिफरेंस निकालना है एंड यू विल गेट अ बैलेंस आउट हियर दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज योर कैपिटल फंड याद रखना इसी बैलेंस को हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं ठीक है और यह आता है बच्चा एट नाइन सेवन टू ये हमारे पास कैपिटल फंड आता है कोई भी क्वेश्चन करोगे में ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करना है पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन ग्राप करनी ये बात याद रखिएगा लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन अब मेन एस्पेक्ट, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा देखते जाना भाई कि हमने इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है ठीक है देखना बच्चा इनकम एक्सपेंडिचर में आप कुछ वर्किंग नोट्स तो ऑलरेडी बना चुके हो तो उसके लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं है जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा ये वाला साइड आपका एक्सपेंस का होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड इनकम का होता है इनकम एक्सपेंडिचर का करंट ईयर है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एंड सिक्स बात याद रखिएगा थर्टी फर्स्ट दिसम्बर टू थाउजेंड एंड सिक्स अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन्स आपको याद होगा ये ड्यू जितनी थी हमें पता था ड्यू वाली एक्चुअली में जब नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होते हैं इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पे पता होता है सीधा सीधा लिख सकते हैं फिफ्टी फोर हंड्रेड इंटू टेन ये मेरे पास गिवन था हमारा काम क्या होता है रिसीप से इनकम रिसीप से इनकम तो रिसीप में सब्सक्रिप्शन हो गई एक दिया हुआ इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट अच्छा एंट्रेंस फी जाएगा नहीं क्योंकि एंट्रेंस फी के साथ लिखा है इट इज़ टू बी कैपिटलाइज वो लाइबिलिटी में जाएगा सामने लिखा हुआ है इंट्रास्ट ऑन सिक्योरिटीज चला जाएगा अट्ठारह तो आपने रिसीप से इनकम डालना है एक जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1800 और एक आपका जाएगा इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट वो कितना था 870 सेवेंटी कह दोस्तों आपका इनकम खत्म और कोई इनकम नहीं आए प्लीज चेक कर लेना देअ बी नो अदर इनकम राइट हमारे पास और कोई इनकम नहीं होगा रिसीव से इनकम रिसीव से इनकम ठीक है ये बात याद रखना देन वी हैव एक्सपेंस एक्सपेंस की बात करें दोस्त इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कैपिटल नेचर की कैपिटल नेचर पेमेंट से एक्सपेंस डालते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कैपिटल नेचर की आइटम है कैपिटल नेचर की आइटम जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया इज नॉट ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर फर्नीचर नॉट ट्रांसफर्ड सैलरीज यस इट इज ट्रांसफर्ड बट सैलरीज में ये एडजस्टमेंट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि दोस्त जब सिंगल एडजस्टमेंट हो तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे आप सिर्फ देखो सैलरीज में नीचे एक ही एडजस्टमेंट है सोलह सौ इसको चुपचाप ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ है इसका अलग से अकाउंट बनाओगे तो टाइम वेस्ट तो मैं बच्चों को रिकमेंड ही नहीं करता कि आप सैलरी की एडजस्टमेंट करें राइट right? सीधा सीधा टू जीरो टू फाइव जीरो नेक्स्ट देखते जाओ बच्चा पेमेंट से एक्सपेंस पेमेंट से एक्सपेंस अच्छा प्रिंटिंग स्टेशनरी इसका हमने कंज्यूम निकाल लिया था अगर बच्चे याद करेंगे मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कंज्यूम्ड कैलकुलेट करा था ऊपर वर्किंग नोट बनाया ठीक है वर्किंग नोट बना के मैंने निकाला था टू सेवन एट फोर याद करो दोस्त का कंज्यूम्ड का वर्किंग नोट बनाया था इट इज टू सेवन एट फोर सारे बच्चे चेक फिर मैं आता हूं यहां होल्ड ऑन एक्सपेंसेस में आपके पास थोड़ा सा आपको एक ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा एक्सपेंसेस को लेकर दोस्त मेरे पास ना कुछ इंफॉर्मेशन है लिखा हुआ है एक्सपेंसेस कुछ 2015 के आउटस्टैंडिंग थे मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चा पिछले साल के हैं देखो सिंपल सी बात है ये कौन से हैं बेटा ये पिछले साल के तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के आइटम शो करनी होती है तो जो आउटस्टैंडिंग 2015 के इसमें इंक्लूसिव हैं इसको माइनस कर दो माइनस क्यों करना है बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर याद रखना दोस्तों इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर तो थ्री एट सिक्स फोर मेरे मिसलिन आ जाएंगे ठीक है अच्छा अब सुनो कुछ टेलीफोन चार्जेस थे जो आपके थे इस साल के वो थे इस साल के मेरी बात को समझना वो टेलीफोन चार्जेस बच्चा थे इस साल के बट वो पिछले साल दे दिए गए आपको याद होगा हजार रुपए के टेलीफोन चार्जेस थे जो तो एक्चुअली में थे इस साल के पर वो दे दिए गए पिछले साल ठीक है तो 375 के टेलीफोन चार्जेस वो हमारे पास इस साल को बिलोंग करते थे इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ऑल आइटम्स ड्यू इन द करंट ईयर राइट देन वी हैव डेप्रिस डेप्रिसिएशन कैसे पता लगा बेटा आप लास्ट में पढ़ लो आपको लिखा है प्रीमिसिस और फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएशन देखो प्रेमिस का तो सिंपल सा हिसाब है सेवन थ्री फाइव डबल जीरो के ऊपर टेन परसेंट ठीक है प्रेमिस का तो बच्चा सिंपल सा हिसाब है सेवन थ्री फाइव जीरो के हिसाब से डिप्रीशिएशन रहा फर्नीचर की बात अब फर्नीचर में एक पॉइंट ये है नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आपके पास एक इन्वेस्टमेंट तो आपका डिप्रीशिएट करेगा नहीं ठीक है पर आपका फर्नीचर फर्नीचर आपको यहां लिखा है फोर थ्री फाइव जीरो का ये पढ़ो फोर थ्री फाइव जीरो का और नीचे लिखा है कि फर्नीचर आपने जनवरी में परचेज करा है, ये पढ़ो बच्चा फर्नीचर का परचेज करा आपने जनवरी में जनवरी का मतलब हो गया जैन टू दिसंबर फुल ईयर की डेप्रीसिएशन आई होप एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग गाइस जैन से लेकर दिसंबर फुल ईयर की डेप्रीसिएशन तो फर्नीचर पे भी टेन परसेंट लगेगा फोर थर्टी फाइव बच्चा अब आपने क्या करना है इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लस माइनस करके इसका सरप्लस निकाल निकालना ध्यान जब आप इनका प्लस माइनस एड सब करते हो यू विल गेट अ सरप्लस बच्चा इसमें आ जाता है टू वन सिक्स वन टू इट्स टू वन सिक्स वन टू और ये जो टू वन सिक्स वन टू आता है दोस्त ये आपके सरप्लस का आंसर होगा ठीक है अब इसमें लास्ट क्या बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट अब इसी सरप्लस को हम यूटिलाइज करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए बैलेंस शीट बनेगी आपकी थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2016 हजार क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टार्टिंग विद कैपिटल फंड कैपिटल फंड जो है बच्चा वो तो आपके पास आया है एट नाइन सेवन टू फोर इसमें सरप्लस ऐड कर दिया टू वन सिक्स वन टू इसको ऐड कर लीजिए बच्चा सरप्लस को ठीक है और एक चीज़ और थी आपको लिखा था एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है तो आप एंट्रेंस फी भी इसी में ऐड कर लोगे अब याद करोगे दोस्त एक एंट्रेंस फी के बारे में लिखा हुआ था उसको कैपिटलाइज कर एंट्रेंस फी कितनी थी टू जीरो वन जीरो एंट्रेंस फी भी आप कैपिटल फंड में ही ऐड कर व्हेन यू ऐड दिस यू गेट इज वन वन थ्री फोर डबल वन डबल थ्री अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ 2016 की 2016। चलिए एक काम करते हैं 2016 पहले ढूंढते हैं 2016 में अगर आप याद करोगे ये कैश बैंक के बैलेंसेस कैश बैंक का टोटल बैलेंस कितना गिवन है 10950. तो कैश बैंक का टोटल बैलेंस इट्स वन जीरो अब आपने ऊपर काफी वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं उससे आपको पता लग गया कि दो हजार सोलह के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी याद करो मैंने आपको वर्किंग नोट बनाया था

बच्चे चेक करें प्लीज मेरे पास 2016 की इंफॉर्मेशन और कौन कौन क्रिप्शन का हो गया एक क्लोजिंग स्टॉक है 261 सिक्सटी वन इसके साथ 2016 लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक 261 सिक्सटी क्या आ गया अच्छा सैलरी 2016 की आउटस्टैंडिंग है 1650 सौ पचास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी भाई सोलह सौ पचास सोलह सौ पचास की बच्चा सैलरी मेरे पास आउटस्टैंडिंग है ये चेक कर लो और अगर आप देखोगे बेटा प्रेमिसेस के बैलेंसेस थे इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर था प्रेमिसेस बच्चा आप कैसे शो करोगे प्रेमिसेस में सेवन थ्री फाइव डबल जीरो में से सेवन थ्री फाइव जीरो की लेस कर दो बैलेंस आ जाता है डबल सिक्स वन फाइव जीरो इट्स डबल सिक्स वन फाइव जीरो राइट फिर अगर आप देखोगे फर्नीचर फर्नीचर में से बच्चा फोर थ्री फाइव जीरो में से फोर थर्टी फाइव की तुम डेप्रीसी माइनस कर जब इसकी डेप्रीसी लेस करते हो बेटा तुम्हारे पास बैलेंस आता है थ्री नाइन वन फाइव कितना आ गया थ्री नाइन वन फाइव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास पहले 19,500 थी चेक करना बेटा अच्छा इन्वेस्टमेंट तुमने ऊपर और परचेज करी है ये देखो ये देखो बच्चा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नाइन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट ऊपर और परचेज करी है नाइन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट वर्क्स आउट टू तो बी टू एट फाइव डबल जीरो डन मेरे पास बच्चा फर्नीचर हो गया सब कुछ हो गया सारा बैलेंस वगैरह आप चेक कर लो वी हैव ऑल द आइटम्स नाउ ठीक है हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है एंड अब आपने बैलेंस शीट अपनी मैच करा लेनी है बैलेंस शीट का टोटल आता है वन वन फाइव फोर फोर सिक्स ये बच्चे चेक कर लो बच्चा बच्चा अभी लाइव क्लास देख रहे हो फटाफट फड़ से अपने स्माइल्स भेज दो क्वेश्चन इज क्लियर जल्दी से आई होप बेटा सारे बच्चों को एनपीओ याद आ गया होगा एंड दिस इज बेसिकली एनपीओ बेटा सारा और ये एक क्वेश्चन आपके काफी सारे पॉइंट्स कवर अप कर लेगा प्लीज सेव दिस क्वेश्चन फॉर यू इन फ्यूचर राइट सारे बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को संभाल के रखना चलिए थैंक यू ए गॉड ब्लेस यू बाय सी यू